ऑडियो 6 मानव प्रगति एवं पर्यावरण पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। घ जल प्रदूषण के कुछ भयंकर दुष्परिणाम। टोरी कैनियन नामक एक तेलवाहक समुद्री जहाज ब्रिटेन के पास से गुजर रहा था। 18 मार्च 1967 के दिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका 30,000 टन तेल समुद्र में गिर गया और देखते देखते 18 मील क्षेत्र में फैल गया। हवा के झोंकों और समुद्री तरंगों के कारण शीघ्र ही वह 100 वर्ग मील क्षेत्र को प्रभावित करने लगा। वही दूषित जल कुछ दिन बाद फ्रांस के तट तक जा पहुंचा। अब मौतें प्रारंभ होती है। अप्रैल 1970 में अलास्का तट अमेरिका के पास जल प्रदूषण से हजारों पक्षी, समुद्री सिंह और व्हेल मछलियां मरी पाई गई। 400 सीलों का झुंड इस तेल प्रदूषण की चपेट में आकर जान गंवा बैठा। हजारों समुद्री वृक्ष नष्ट हो गए। दिल्ली में 10 से अधिक गंदे नाले यमुना नदी में गिरते हैं। कुछ समय पूर्व बजीराबाद और ओखला के बीच हजारों मछलियां इस गंदगी से मरी पाई गई। इन मछलियों का व्यावसायिक मूल्य 6 लाख रुपया आका गया। 1956 में जल की समस्या गंभीर हो गई थी। सारी दिल्ली में पीलिया रोग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। सन 1970 में भयंकर पीलिया होते होते बचा। इसके बाद मॉडल टाउन के पीछे झील में हजारों मछलियां मरी पाई गई। उनकी सड़न एक समस्या बन गई। गंगा जी के तट पर बसे मुंगेर बिहार में पेट्रोल के गंगा नदी में बह जाने के कारण गंगा जी के जल में 50 मील दूर तक आग लग गई। पानी में आग की लपटें उठने लगी। लोग आश्चर्य और भय से इस कांड को देखते रहे। यह सब इस बात के प्रमाण है कि मानवीय सभ्यता ने अपने जीवन के आधार जल को किस किस तरह दूषित किया है, उसके क्या दुष्परिणाम अब तक आगे आ गए हैं और भविष्य कितना अंधकारपूर्ण है। विनाश की इस काली घटा को मात्र दर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए, अपितु दुर्बुद्धि रूपी रावण की काली पाटी से बंधे वरुण देव की मुक्ति शुद्धि के उपायों पर भी विचार करना चाहिए, अन्यथा उसके घातक दुष्परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं। ओहियो अनुसंधान परिषद ने फ्लोराइड मिश्रित जल की खामियों को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया है और अपने शोधों निष्कर्षों को डेली मेल, संडे डिस्पैच आदि पत्रों में छपवाया है, जिसमें उसे प्रयुक्त न करने का परामर्श दिया गया है। अमेरिका की कितनी ही स्वास्थ्य संस्थाओं का एक संयुक्त विरोध सरकार के तथा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उस संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष जे मैक कार्लेल फोर्ब्स ने स्कॉट्समैन आदि पत्रों में विस्तारपूर्वक मिश्रित जल की खामियां गिनाई थी और कहा था कि शोधन के नाम पर विषाक्तता का समावेश होता है। न्यूबर्ग में फ्लोरिडा सहित और किंगस्टन में उससे रहित पानी देकर उसके परिणामों की जांच की गई। उसका विवरण पेंगुइन साइंस न्यूज पत्रिका में छपा, जिसमें बताया गया कि रासायनिक जल से दांतों की खराबियों और जोड़ों के दर्द की शिकायत उत्पन्न होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जिनेवा कार्यालय से प्रकाशित एक बुलेटिन में क्लोरीन युक्त पानी के संबंध में कई ख्यातिनाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लेख छपे हैं, जिसमें प्रायः सभी ने इस रासायनिक सम्मिश्रण का विरोध किया। पक्ष समर्थन में तो केवल एक ही लेख है, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के रसायन प्रमुख AP ब्लैक का। जल शोधन के लिए नगर पालिकाएँ अक्सर पानी में फ्लोरीन मिलाती हैं। पानी में घोला हुआ यह सोडियम क्लोराइड एक तीव्र रसायन है जो जल में पाए जाने वाले स्वाभाविक कैल्शियम क्लोराइड की तुलना में 85 गुना अधिक तीक्ष्ण है। शोधन के लिए प्रयुक्त किया गया यह रसायन एक मंद विष के रूप में पीने वालों के शरीर में प्रवेश करता और जमता चला जाता है। आरंभ में तो उसकी उतनी हानि प्रतीत नहीं होती, पर 30-40 वर्ष बाद उसके दुष्परिणाम कई मंद और तीव्र रोगों के रूप में फूटने लगते हैं। इस तथ्य को समझते हुए स्वीडन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि ने इस सम्मिश्रण को बंद कर दिया है। अमरीका के 580 नगरों में भी इसे बंद कर दिया है। वैज्ञानिक सफलताएं भी अन्य सफलताओं की तरह तब दुर्भाग्यपूर्ण बन जाती है जब वे अत्युत्साह एवं अहंकार उत्पन्न करती है। कुछ ही सफलताओं के कारण अपनी सर्वांगपूर्ण बुद्धिमत्ता का अभियान किया जाने लगता है
और यह भुला दिया जाता है कि कुछ काम की कुछ सीमा तक मिली सफलता का अर्थ यह नहीं है कि अपना हर चिंतन और हर प्रयास सही या सफल ही होगा। सफलता के लिए क्रिया ही काफ़ी नहीं, सतर्कता भी आवश्यक है। भूल न होने पाए इस पक्ष को ध्यान में रखकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की नीति यदि छोड़ दी जाए और जल्दीबाजी में कुछ भी कर गुजरा जाए तो ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं जैसे कि जल शोधन संबंधी प्रयास की त्रुटि के संदर्भ में सामने आ रहे हैं। यह विषाक्त भोजन मारे बिना नहीं छोड़ेगा। हवा और पानी के बाद यदि कुछ शुद्ध बचा था तो वह था अन्न, किंतु अब अन्न भी कहाँ पौष्टिक और भरपूर शक्ति देने वाला रहा है। अन्न और सब वस्तुओं से ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बिना आगा पीछा देखे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो अंततः हानिकारक ही सिद्ध है। रासायनिक खादों से भूमि को उत्तेजित करके उससे अधिक कमाई करने की रीति नीति अपनाई जा रही है। सोचा जा रहा है इस तरह अधिक पैदावार का लाभ उठाया जा सकेगा। जो प्रयोग हम आज करने चले हैं उसे अमेरिका में बहुत पहले आजमाया जा चुका है। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लाभ उठाने की नीति अपना कर उन्होंने रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग किया। कुछ समय तक उसके लाभ भी मिले पर अंत में उस भूमि का अधिकांश भाग अपनी उर्वरा शक्ति खोकर बेकार हो गया। अमेरिका के कृषि विभाग की भूमि संरक्षक संस्था ने हमारी बची हुई भूमि नामक एक पुस्तक छपाकर उसमें रासायनिक खादों के द्वारा भूमि पर पड़ने वाले कुप्रभाव का विस्तृत वर्णन किया था। उसमें बहुत भयंकर आंकड़े थे। रासायनिक खादों के उत्पादनकर्ताओं के दबाव या अन्य किसी कारण से उस पुस्तक के दोबारा छपने का अवसर नहीं आया। उपर्युक्त पुस्तकों के तत्वों की भयंकरता को घटाते हुए उस पुस्तक का एक सरल संस्करण हमारी उपजाऊ भूमि के नाम से छपाया गया। यह पुस्तक एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन संख्या 106 के क्रम से प्रकाशित है और 10 सेंट मूल्य के गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस 25 DC से खरीदकर पढ़ी जा सकती है। इस पुस्तक में लिखित उद्धरणों से विदित होता है कि रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से अमेरिका की 28 करोड़ एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, जो कि देश के इलिनॉय, आयोवा, मिसूरी, कन्यास, नेब्रास्का और वायोमिंग राज्यों की कुछ कुल जमीन के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य चारागाह तथा जंगली 77 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि और ऐसी है जिसका बहुत कुछ अंश बर्बाद हो चुका है। पुस्तिका में वर्णन है कि केवल 46 करोड़ एकड़ उपयोगी जमीन अमेरिका के पास बची है। पेट भरने के लिए तो इतनी भी काफ़ी है, पर यदि इसे संभाल कर नहीं रखा गया और पिछली गलतियां दोहराई जाती रही तो हर साल आगे भी 50 लाख एकड़ जमीन बर्बाद होती चली जाएगी। फसलों पर कीटाणुनाशक घोलों के छिड़के जाने से कीटाणुओं तथा पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों से होने वाली हानि को बचाने की बात सोची जाती है और यह अनुमान किया जाता है कि उससे फसल की बर्बादी बचेगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसे विषाक्त कीटाणुनाशक रसायनों का उत्पादन भी तेजी से किया जा रहा है। DDT तथा दूसरे रसायनों की वृद्धि तेजी से हो रही है। पाराशियन सरीखे विष इसी प्रयोजन के लिए उत्पन्न किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ औषधियाँ तो नर्व गैस सरीखी युद्ध में काम आने वाली भयंकर गैसों जैसी घातक होती है, पर हम भूल जाते हैं कि फसल, अन्न आदि खाद्य पदार्थों पर छिड़के हुए यह विष उन खाद्यों में ही जा पहुँचते हैं। यह विषैलापन मात्रा में कितना ही न्यून क्यों न हो, आखिर कुछ तो असर डालता ही है और थोड़ा थोड़ा करके भी इतना अधिक हो जाता है कि उससे सामान्य स्वास्थ्य पर असर पड़ना नितांत आवश्यक है। अमेरिकन कृषि विभाग के अंतर्गत एंटोमोलॉजी रिसर्च शाखा ने इन कीटाणुनाशक विषों की प्रतिक्रिया की जांच कराई तो मालूम हुआ कि 10 साल लगातार इस विष सेवन से 6 इंच गहराई तक की भूमि में DDT, BSC और लिंडेन तथा आरोलिन के अंश खतरनाक मात्रा में मिले हुए हैं। इलिनॉय, जॉर्जिया, न्यूजर्सी राज्यों की जमीनें भी इसी ऐसी ही विषाक्त पाई गई। विचारशील लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि भूमि में बढ़ती हुई विषाक्तता की यह अभिवृद्धि अंततः मानवीय आहार को भी विषाक्त बनाकर ही रहेगी और उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। फल, फूल, दूध, शक्कर, साग, अन्न, हम जो कुछ भी खाते हैं उनमें अधिकांश कार्बन तत्व होता है। कार्बन हवा और मिट्टी में पाया जाता है। अन्य अकार्बनिक तत्व और खनिज पौधों को पृथ्वी से मिलते हैं।
रासायनिक खादें इतनी उत्तेजित होती है कि वह खनिज तत्वों को भारी मात्रा में निकाल देती है, जिससे उपज बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। साधारण आलू का वजन 100 ग्राम से अधिक नहीं होता। इस्तोनियाई सोवियत समाजवादी जनतंत्र के वियुदुतेय सामूहिक कृषि फार्म में खुदाई करते समय वहाँ के मैनेजर को एक आलू इतना बड़ा मिला जिसका वजन 1 किलो 250 ग्राम था। यह अत्यधिक विकास रासायनिक खाद की कृपा से हुआ, पर मिट्टी की जांच करने से पता चला कि उसमें खनिज तत्व क्रमशः घटते ही चले जा रहे हैं। एक बार में 12% तक खनिज तत्व निकाल देने से भूमि का जीवन तत्व कितनी तेजी से नष्ट होता होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। पर आज के लोगों का ध्यान तो 1.25 किलो के आलू की तरफ अधिक है। भूमि के जीवन तत्व नष्ट हो रहे हैं, यह कोई नहीं देखता। लेडी ईव बेलफर ने अपनी पुस्तक लिविंग सॉइल में स्पष्ट कर दिया है कि यदि मनुष्य यह समझता है कि धरती निष्प्राण है तो यह उसकी भूल है। जिस तरह शरीर में जीवन है, पृथ्वी में भी ठीक वैसा ही जीवन विद्यमान है। खनिज द्रव्यों की चट्टान, सेंद्रीय खाद तत्व तथा अति सूक्ष्म कीटाणुओं के सम्मिश्रण से मिट्टी बनी है। मनुष्य और प्राणी जगत का जो मल मूत्र निकलता है तथा वनस्पति जो जमीन पर गिर जाती है, उन्हें पृथ्वी के सूक्ष्म जीवाणु उसी प्रकार सेंद्रीय खाद तत्व या प्राण के प्राण में बदलते हैं। जिस प्रकार शरीर के जीवाणु खाद्य से शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, हमारी जीवन व्यवस्था और पृथ्वी के जीवन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि उत्तेजक पदार्थों से जो निष्क्रियता मनुष्य शरीर पर आती है, ठीक वैसी ही पृथ्वी में उत्तेजक खादों से आती है। अतएव विज्ञान को अपनी इस उपलब्धि को महत्व न देकर उसे एक नशा ही समझना चाहिए, जो धरती के लिए अभी भी उपयुक्त नहीं हो सकती। दूध और घी, मक्खन तथा छाछ से मिले जीवन तत्वों की तुलना जिस प्रकार शराब और निकोटीन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कंपोस्ट खाद, हरी खाद, मलमूत्र की स्वाभाविक खादों से पृथ्वी को कहीं अधिक शक्तिशाली और दीर्घजीवी बनाया जा सकता है, तो विष पिलाना ही क्या आवश्यक हो सकता है। हमारी धरती के संस्कारों का भी तो महत्व है। यदि उनकी इस उत्तेजना को रोका न गया तो यह कुसंस्कारी अन्न आयुष्य में दुर्बुद्धि के रूप में फूटेगा और अपने देश को भी यूरोप की तरह उद्दंड, स्वेच्छाचारी, कामुक, शोषक एवं उपयोगितावादी वृत्ति का बना देगा। यह हानि पृथ्वी के बांझ होने से भी अधिक कटु है। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटकनाशक दवाइयों के उपयोग के रूप में एक ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि वह केवल कीटों को ही नहीं खाता, वरन खाने वाले को हानि पहुंचाता है। यह फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों को नहीं मारता, वरन प्रयोगकर्ता को भी हानि पहुंचाता है। फसलों की रक्षा के लिए तरह तरह के कीटकनाशक तैयार किए गए, पर उनके उपयोग में सावधानी न बरतने का दुष्परिणाम यह है, यह कीटकनाशक भी एक अलग समस्या बन गए हैं। कीटकनाशक उपायों में अब तक एक ही कारगर उपाय सोचा जा सका है कि विषैले रासायनिक घोल छिड़ककर जहां भी एक कीड़े हो वहां ही उन्हें मार डाला जाए। DDT प्रभृत औषधियों का प्रयोग ही इसी दृष्टि से उत्साहवर्धक हुआ है, पर उससे भी कुछ हल निकला नहीं। उन्हें हर कोई न तो खरीद सकता है और न उसका सही उपयोग जानता है। अवांछनीय मात्रा में असावधानी से उनका उपयोग किया जाए तो पौधों के नष्ट होने और उनके फल बीज खाने वालों में विषाक्तता बढ़ जाने का खतरा स्पष्ट रहता है। इन दवाओं के मंद उपयोग का भी जो दुष्परिणाम सामने आया है, उसने विचारशील वर्ग को चिंता में डाल दिया है। कीटकनाशक औषधियों के छिड़काव का प्रभाव पौधों पर ही नहीं, अन्न, शाक, फल आदि पर भी रहता है और वे पेट में पहुंचकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं। गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन छिड़के जाते हैं, वे घूम फिर कर खाने वालों के पेट में पहुंचते हैं और मंद विष भी कालांतर में विघातक परिणाम उत्पन्न करता है। छिड़काव से प्रभावित घास फूस खाने वाले पशुओं का दूध, घी और मांस भी अखाद्य बनने लगता है। इस प्रकार वह कीटकनाशक रासायनिक उपचार कीड़ों को मारने में भले ही असफल रहे, पर मनुष्य पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। रेकल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में अमेरिकी जनता की शारीरिक स्थिति की चर्चा करते हुए लिखा है, यह हर मनुष्य के शरीर में DDT एवं ऑर्गेक्लोरिन समूह के विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अभी यह परिणाम 10 लाख पीछे 12 भाग है, पर यह क्रमशः बढ़ता ही जाएगा और फिर विविध विधि स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करेगा। कीटकनाशक दवाएं बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों में तो
यह मात्रा 648 भाग तक पहुंच गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विज्ञानी का चिंतन है कि कीटकनाशक रासायनिक प्रभाव से मानवीय आहार को किस प्रकार बचाया जाए। यह चिंता एक देश की नहीं पर समस्त विश्व की समस्या है। यहाँ एक और विचित्र समस्या है कि यह कीड़े जल्दी ही विषाक्त घोलों से अपनी रक्षा कर सकने योग्य क्षमता अपने में विकसित कर लेते हैं और उनकी नई पीढ़ियाँ ऐसी ढीठ उत्पन्न होती है जिन पर इन रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे इन छिड़कावों को अंगूठा दिखाते हुए फसलों के विनाश का कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते रहते हैं। खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए रेडिएशन विकिरण का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक खादों की भरमार के आधार पर खेतों में अधिक अन्न उपजाने की बातें सोची गई है। कीड़ों से खाद्य पदार्थों की रक्षा करने के लिए DDT, क्लोरोडेन, डेल्ड्रिन, एंड्रिन सरीखी औषधियों के छिड़काव का प्रचलन बढ़ रहा है। खेतों में भी कृमिनाशक घोल छिड़के जा रहे हैं। इनसे तात्कालीन समाधान मिलता है पर दूरगामी परिणामों की उपेक्षा करते रहे तो फिर जिस मानव प्राणी के लिए यह खाद्य बढ़ाने और सुरक्षित रखे जाने का प्रयत्न हो रहा है वह इस योग्य ही न रह जाएगा कि कुछ खा या पचा सके। तो आज की सफलता को असफलता से कम दुर्भाग्यपूर्ण न माना जाएगा। DDT जैसे रसायन छिड़कने से कुछ कीड़े मरे, कुछ जहरीले बनकर जिंदा रह गए, उन्हें खाकर पक्षी मरे। चिड़ियों की चहचहाट से जो वन उपवन गूंजते थे वे सब सुनसान हो गए। कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग गुंगा बसंत नामक पुस्तक में पक्षियों के विनाश का दर्दनाक चित्र खींचा है और लिखा है, रासायनिक खादों और कृमि नाशक रसायनों ने प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। कीड़े मरे या न मरे यह गौण बात है, उन रसायनों से सनी घास खाकर पशु और बीज एवं कीड़े खाकर पक्षी विषैले बने, उनका मांस खाकर मनुष्यों के शरीरों में विषाक्तता घुस गई और अब उनकी प्रतिक्रिया तरह तरह की चित्र विचित्र बीमारियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है।